नाम तब मेरा सुनील दत्त साहब ने चेंज कर दिया बोले यार गोपाल जो जब वाइल ड्यूरिंग शूटिंग ही चेंज माय नेम ने फ्रॉम hmm. गोपाल टू रंजीत गोपाल में क्या वो बोले तो दूध वाला भैया लगता है यू डोंट स्मोक यू डोंट ड्रिंक यू डोंट आई डोंट नो द टेस्ट ऑफ नॉनवेज ऑन स्क्रीन एवरी मूवी यू हैव अ ड्रिंक इन योर हैंड एंड प्रोबेबली वन हड्डी आल्सो हड्डी योडी हड्डी होता था पूरा बकरे की पूरा टांगों की थी, थी। रात को नहाने के बाद भी my body used to smell of mutton तो फिर मैंने एक दिन अपने आर्ट डायरेक्टर को पूछा यार can you make some chicken or some बकरे for me and all that kind of stuff plaster of paris के तो उसने आर्ट डायरेक्टर ने बना दिया बकरा तो मेरा प्रोड्यूसर बहुत खुश कुछ बैंड्स बोला कपूर साहब अभी ये बकरे वगैरह आप बताऊंगा बड़ा खर्चा होता है हर रोज ये है वो है

थे और जो है वो तो तो भी बोलते हैं तो मुझे बताइए एंड एक... आप एक... प्यार कुछ से कुछ भी बुला सकते हैं गोली भी बुला सकते हैं, गोली है, का रिलेट पता नहीं ऑडियंस पता नहीं करें नहीं करे तो एंड तीनों नाम क्या आप मुझे बताइए हिस्ट्री हिस्ट्री ये है की बोर्न इन अमृतसर प्राउडअप इन डेली तो आई वॉज अ वेरी फेमस फुटबॉलर गोलकीपर स्कूल में हिंदू कॉलेज में थाज में एंड आई रिमेंबर आई प्लेड विद फ्रंट क्लब ऑल्सो विद्रोशरा क्लब में थे तो मुझे पचपन साल मोर देन फाइव ईयर इन बॉम्बे एंड तो सब मेरा नाम था गोली लिखते इवन प्रेस में भी छोटा सिलेबट्स आते थे उन दिनों में कोई मैच वैच के तो गोली लिखते थे अच्छा। तो कोई डजन बैटर पता हाँ। नहीं है तो इधर सब माँ बाप ने नाम दिया वो गोपाल सिंह बेदी सिंह नहीं अब बड़ा सरदार बेदी बेदी, बेदी हाँ। वो है वो, बेदी फैमिली गुरु नानक भी सोचते होंगे ये कैसा आदमी पैदा बेदी पैदा किया है खींचता रहता है एनीवे तो

बोले यार ये इंडियन एयरफोर्स पायलट के लिए जो कोर्स होता है इसकी इसकी जो रिजल्ट है टेन परसेंट ऑल ओवर इंडिया ट्वेल्व परसेंट वेरी टफ इन ऑल दैट तब बोला ठीक है यार भरते देखते क्या होता है हुँ. तो आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम वी ऑल फोर ऑफ असवेंट वो यू पी एस सी होता है हाँ वहाँ से फॉर्म वगैरह लिया पैसे हुँ. अपनी जेब से दिए सब कुछ दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हाँ जो पार्लियामेंट हाउस के पास तो वहाँ से लेके आए हमने भर दिया फॉर्म फिर वी गॉट

एंड हमारे इंस्ट्रक्टर एक सरदार जी थे hmm. और आपको मालूम है कैंटोनमेंट में ये ऑफिसर्स के बंगले होते हैं फैमिलीज hmm. वहीं रहती हैं hmm. तो वी यूज टू प्ले फुटबॉल एंड जिम एन एवरी इन ऑल दैट तो सरदार जी की एक बेटिया थी वो शी यूज एंड ऑल दैट यू नो और भी एक दो लेडीज होती थी आप पायलट बनने गए थे कि बेटियों को देखने गए थे किसी को नहीं देखने गया मैं अभी बेटी hmm. देखता हूँ सच्ची बोलता हूँ <laughs> Okay. तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर वो बिटिया जो थी उनकी उन्होंने सोचा कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ hmm. नहीं मार रहे थे आप बिल्कुल नहीं दिल में था ही नहीं यू नो आई प्रॉमिस यू बिलीव मी यू नो आई वॉज वेरी शाई शाई तो अभी भी हूँ मैं थोड़ा सा ऐसी बात नहीं है एंड hmm. uh, उन्होंने कुछ ही मिस एंड ही गेम यू वार्निंग इन पंजाबी और गालियाँ वाली निकालते ना माँ बहन ने hmm. पंजाबी में hmm. <laughs> नहीं वो खासियत है, Punjabi. नहीं है गुजराती में तो बहुत है hmm. मुझे खुद को शर्म आ रही थी किसी गुजराती फैमिली में क्या था अच्छे बच्चे बोले थे वो कुछ यूज करते दैट इज प्यार से यूज करते हुए hmm. <laughs> तो आपको गालियाँ पड़ी गालियाँ पढ़ी एंड यून मी उसने बोला की इफ आई सी यू विद इन दिस हंड्रेड इफ़ माई टॉथर और करियर और माँ बहन की गाली निकाल दी उसने hmm. तो हम तो फॉर फन गए थे ना एंड hmm. uh, बहने उनको वैसे ही बोल दिया पंजाबी में ही hmm. गालियाँ तो आती थी फुटबॉल <laughs> में बहुत गालियाँ निकालनी पड़ती थी ना कि प्लेयर कोई गड़बड़ hmm. करता था नॉट डेली बॉय अदरवाइज वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली इन माई लाइफ भी एट डाइवर्सिट हमारे घर में लहसुन काली दाल वगैरह ये जितने भी तामसी फूड बोलते हैं इसको hmm. जिसमें नो यूथ को नहीं देते नहीं वो लोग oh. और स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन बस दूध दही पे पले हुए थे हम लोग hmm. तो सरदार जी को वैसे बोल दिया तो ही वॉज अबाउट टू रेज इज हैंड बट ही रियलाइज आई माइट गिव इट बैक टू हिम द सेम वे तो कट शॉर्ट खतमेज एक्शन फलाना डिंगड़ा ये वो तो मैं नीचे गया तो आठ दस लोग थे उनके कोई गेस्ट वेस्ट अच्छे थे तो ओ सुना पत्र क्या हाल है hmm. एयरफोर्स में क्या हो रहा है भैज निकाल दिया कंसर्न <laughs> hmm. बोलना क्या बोलना था ना हम मेरा सब तो मिलते रहते हैं hmm. है वो फलाड़ा फलाड़ा एनी वे anyway, मैजी हो गया हो गया कोई गल नहीं सो आई वॉज टू लीव री सेंट वी गोइंग टू नॉट प्लेस फॉर कॉफी शॉप एंड ऑल दैट रेंगुलर जेक होता था, था उधर जींस hmm, की दुकान

तो वेरी गुड लुकिंग ब्लेजर सिगरेट होल्डर यंग मैन लाइक टू वर्क इन फिल्म हमने सुना हुआ था दिल्ली में कि ये बॉम्बे वाले बड़े गड़बड़ आदमी होते हैं hmm. ये आते है दे 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 हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स एक ऐसे छोटा सा एड दे देते हैं और उधर लड़के लड़कियों की लाइन लग जाती है कि नया लड़का नई लड़की चाहिए सुना हुआ था आई बिलीव मी गाइड वाज द फर्स्ट फिल्म लाइफ

तो ऐसे मैं ऐसे श्रक कर ही रहा था तो गेम कार्ड नाम हम लिखा था ठाकुर रणवीर सिंह hmm. वो कोटा का था बट ही वॉज बेस्ड इन इंग्लैंड एंड हॉलीवुड विच आई नो ऑल दीज बिग स्टार्स लाइक दिलीप साहब राज साहब और सुनील दर साहब देव साहब ये सब जब भी यूरोप जाते थे ही वॉज ओनली इंडियन गाय हु वॉज कनेक्टेड विद द ग्लैमर इंडस्ट्री है ना तो टू एंटरटेन फॉरटेन रईस भी था अच्छा था तो जब वो आता था तो ये लोग उसकी देखभाल करते थे हॉस्पिटेलिटी रिटर्निंग एंड ऑल दैट तो कटिंग रोडली उसने बुला, बुलाया तो देर इज अ होटल कॉल्ड क्लरिज इन डेली वी यू आर स्टेइंग देयर तो मैं अपना किसी को बोला नहीं यार दोस्त को तो घर पर तो सवाल यार दोस्त को भी दी तो क्यों पीछे से मजाक टांग खींच देना देख hmm. दे एक्टर बनेगा ऐसी शक्ल देखना दे रहा। देख चलता कैसे है ना मजाक करते थे hmm. तो मैंने किसी को नहीं बोला एंड आई वेंट टू हिम वी हैड लंच एंड ही वॉज टू बी मेड इन इंग्लिश एंड हिंदी अच्छा एंड दैट वाज कॉल्ड जिंदगी की राहें इन इंग्लिश रोड्स ऑफ लाइफ अच्छा इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रक ड्राइवर्स लाइफ रातों रात राथ चलते हैं ढाबों में रहते हैं घरों से कितनी दूर ऑल दैट और मेरा रोल था वो जो उनके साथ क्लीनर होता है ना mm -hmm. आजकल तो बटन से हो जाता है उस दिनों में अंदर हैंडल डालते थे mm -hmm. मतलब उसको घुमाना पड़ता था mm -hmm. फिर जब ट्रक स्टार्ट हो जाता था तो भाग के चढ़ जाता था चर, हाँ. तो ही वॉन्टेड क्लीनर टाइप रंग भी जरा तो आपको मालूम है जैसा भी है तो आप समझ सकते हैं काला फला सावला था कुछ तो ही फाउंड मी फिट फॉर दैट रोल एंड ही सुनील दत्त इज माय फ्रेंड देव ने फ्रेंड साहब सब बता दिया उसने बोला फेंक रहा होगा और क्या करेगा <laughs> तो फ्रॉड है कुछ तो अपने बारे ही बोलेगा ना <laughs> <laughs> नहीं सच्ची इट्स आल्सो वेरी दिल्ली ट्रेट नॉट टू बिलीव ऐसा करते हैं फिर वहां पर मुझे I've seen with my own eyes, hmm. लड़के, लड़के एक एक फुल साइज फोटोग्राफ प्रोफाइल फ्रंट ऑल दैट लेकिन लाइन लगी होती थी hmm. so, I remember, होटल में ये लोग इनको कमरा वमरा मिल जाता था कुछ भी hmm. तो वहां पर जाते थे लड़के लड़कियाँ hmm. वो उनको भी करता जिनको तो वो सुना हुआ था तो मैं बोला मेरा क्या कर लेगा देखते हैं तो उसने मुझे कहानी वानी सुनाई सब कुछ सुनाई और उसके बाद बोला कि अब मिस्टर जयंत ये अमजद भाई जी फादर जी थे पठानी थे उनको ट्रक ड्राइवर रीगल लुकिंग उसके लिए साइन किया था दिल्ली में एक मोती सिनेमा है mm. चांदनी चौक में कहीं जी, जी. उनकी द बेटी फैमिली yeah. signed, uh, uh, अच्छा तो गोपाल को भी कर लिया उन्होंने mm. नहीं अभी साइन नहीं हुआ yeah. अभी गुफ्त गु चालू उर्दू में yeah. तो उसके बाद में बोला कि अच्छा मैं जा रहा हूँ वापस आल कॉल यू मैं बोला शायद कुछ बोलेगा पैसे वैसे ही हो मैं शक्ल से तो नहीं लगता है एंड तो? वो चला गया कहता आई विल कॉल यू डन और दो तीन महीने हुए कोई नो no न्यूज़ मैं बोला जान बची तो एक दिन नो पोस्ट कार्ड होता है ना पीले रंग का वो तीन शेर होते हैं तो <laughs> <से, और> <laughs> पीले रंग का करेक्ट छोटा आई आई रिमेंबर नो एंड डियर राज स्टार्टेड एड्रेसिंग मी एज डियर राजेक्टर का नाम था अच्छा राजू था वो डियर राज आई एम स्टेग विद चेतन आनंद माई फ्रेंड्स है न्यू बॉर्ड ए न्यू कर्ल एंड ऑल दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो दर रोल यू डो द होल स्टोरी कर रहे तो आ जाओ आई एम सेंडिंग यू द टिकेट ओके हाँ तो ऐसे ऑफर आए घर पे फिर आपने झूठ बोला मतलब देखते हैं फ्री थे ना कॉलेज तो छोड़ दिया था इन बिटवीन द माय ट्रेनिंग अच्छा आई हे टू लीव माय कॉलेज ना फोर मंथ्स के बीच में मैं चला गया था उधर है तो अभी क्या हुआ कि घर में झूठ बोला कि अभी वो अपनी टीम जा रही है महाराष्ट्र में मैचेज है फिरना, फिरना, फिरना। तो तू तो कॉलेज में तो है अभी तो अभी कैसे है मैंने और टीम के साथ में मुझे बुलाते हैं मैं आज कल भी जाता हूँ उधर कॉलेज में जाता हूँ बैठता हूँ अच्छा ठीक है जाओ दे हैड कॉन्फिडेंस इन मी एंड ऑल दैट आई वाज द एलडस्ट इन द फैमिली अब सुविता जी हम वहाँ से आ गए मेरी माँ ने जाने से पहले मेरे गले में सोने की चेन एक अंगूठी एक वो को पाते फिलप की घड़ी थी नेवर वैल्यूड वो भी तरी बोम कर दी तो

आई डोंट हैवी लाइफ इंश्योरेंस आई डोंट हैव मेडिकल क्लेम आई डोंट हैव एनी क्रेडिट कार्ड एंड आई डोंट साइन एनी चेक और दिस थिंग बीबी के ऊपर सब कुछ दे दिया हुआ है पहले सेक्रेटरी को दिया हुआ था ऑन स्टेम्प पेपर तो आई नॉट मेटेरियल स्टेक्शन पर जो hmm. चाहिए वो मैं ले लेता हूँ hmm. घर चाहिए था सबसे पहले गाड़ी नहीं है गराज नहीं है लेकिन घर ले लिया हैल देट <laughs> इस तरह लाइफ शुरू हो गई तो वट आई वेलकम टू द पॉइंट बॉम्बे की जर्नी अभी ये आ गया मैं तो फर्स्ट नाइट uh, ही रिसीव मी एट द एयरपोर्ट एंड ही टुक मी टू चेतन साहब शैक ये सन एंड सैंड के एंड में उधर बीच के एंड पे उनका घर था रुया पार्क पे तो गोवाड इस टाइप शैक होता ना जो बीच हाउसेज वगैरह होते हैं टाइप फेस उनका बड़ा कड़ लुकिंग और मैंने क्या हुआ रोनी ने जब मुझे मिला था कदम यार तुम

एयरफोर्स में थोड़ा रम पकड़ लिया था हमने <laughs> अब क्या हुआ तो अब आ गया मैं तो एंड वी वेंट टू चेतन साहब ऑन देयर तो आई टाइप नॉट दैट तो मैं देख रहा था बॉम्बे कैसी होती है तो शाम था शाम <laughs> का था, तो कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था <laughs> <laughs> तो मुझे जो ऑर्डिनरी सिटी जैसे होती है वो लगी <laughs> अंदर गए तो बहुत डिप लाइट बोड लाइटिक होती है ना ये रोमांटिक टाइप जिसको बोलते हैं बाद में पता लगा तो मैं बड़ा यार ये इतना बड़ा आदमी देवानंद का भाई है प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये राइटर तो ये इतना लाइट करना कंजूस आदमी है ऑल दैट बड़ी तकलीफ हुई हमारे तो नॉर्थ में पंजाब में शाम हो गई थी तो चलो यार अंधेरे में क्यों बैठे हो ऑल दैट सो आई नो अबाउट दैट तो चलो एनीवे वे तो उनका एक डेथ था तो पर बैठे शुरू हो गए थोड़ी देर में चेतन साहब इट इन द इवनिंग ऑफिस एंड बाय इनको बट ही लास्ट इंट्रोड्यूस मी एज हिज डिस्कवरी जस्ट वॉन्टेड टू लेट समबी सजेस्ट किया तुम इसको एक्टर क्यों बताते हो तो एवरीबडी बडी कि आई एम रिलेटेड टू हिम ही वॉज द राजपूत तो थोड़ा भी राजपूत लोग वगैरह थी तो वो सोचे कि शायद प्रोडक्शन में हेल्प के लिए फैमिली का ही है कोई लड़का एंड देवर नॉट वेरी कीन टू नो गोपाल हाय हाय यंग मैन थोड़ा इतना ही इतने होता था अब क्या हुआ कि बातें हवा थोड़ी लगी देन ही वॉज टॉकिंग और दिलीप कुमार इन लंडन चेतन साहब भी बातें कर रहे हैं फलानी डिंगड़ी बहुत यू नो तो फिर मैं रियलाइज कर रहा था यार ये फ्रॉड नहीं हो सकता मेरे दिमाग वही रहा है इतने में एक ब्यूटीफुल लड़की फाइव टेन होगी शायद पत्थरी फाइव नाइन होगी इट वाज प्रिया राजवंश ऐशी इन तो हमने दिल्ली में भी लड़कियाँ तो देखी थी ना और उनका कल्चर जो अलग होता है ना कि बाल खुले हुए सफेद तो रंग की ड्रेस पता नहीं यू नो ओ पर जैसा होता है ना ड्रामा तो हाय रोनी ये वो करके बात एंट्री की तो मुझे मिलाया तो मुझे भी पहले तो उनकी आवाज़ में बोला क्या कहाँ से बोल रही यू नो ऑल दैट उसकी आवाज़ हंसकी थी थोड़ी सी हेलो बैठिए बैठिए अब क्या हुआ बातें होते होते फिर खाना लगा खाने पे डाइनिंग टेबल पे आम आ गए तो चेतन साहब बोले रोनी दिस इज किंग ऑफ मैंगोज इतने टेबल था इसका चौरस समझ लीजिए ये चेतन साहब बैठे ये मैं ये रोनी ये प्रिया प्रिया नाम था उसका प्रिया राजवंश ना वीरा बुलाते थे उसको निकने उसका अपना जो था तो तो पिंक और ऐसे ओजिंग यू नो लाइक दैट हम देखिए दिल्ली में खूबसूरत लग रही थी लड़किया कुछ लगी ऐसी डिफरेंट चीज कुछ यू नो ऑल दैट और उसकी पिक्चर देख ली थी हमने वो कौन सी हीरो पिक्चर देख ली थी मैंने अभी

उसके बाद आम आ गए आम के बाद मैं बोले ये किंग ऑफ मैंगोस तो अल्फांसो तो हम जो तो दशहरी लगड़ा चौसा वोसा सब दिल्ली में तो ऐसे ही होते थे ना तो प्रिया ने क्या किया आम में से चार थे आम एक उठाया और प्लेट में ऐसे उसने एक तरफ से पूरा स्कूप विद स्किन दूसरा पूरा स्कूप विद स्किन और गुठली वापस रख दी फिर दूसरा चारों प्लेटों में काट के दे दिया और साथ में कांटा और छुरी काटर चम्मच मैं बड़ा परेशान <laughs> कसम से मैं बोला यार मुंबई में आम चम्मच से खाते हैं ये कैसे हो सकता है, ये है। अब मैं अब शायद तो मैं ऐसे ऐसे फ्रिजिटिंग यू you नो know, मैं चोरी आँख से देख रहा था ये कैसे खाएंगे तो मैं भी वैसे खा लूँगा ना हमने क्या है तो वही हुआ चेतन साहब ने यूँ फूक से उसको किया पूरा स्कूप जैसे आइसक्रीम होती है ना लिखा वाह वाह तीनों वाह 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 शुरू हो गए हमने भी फिर खा लिया एक दो चम्मच खाए तो दांत में चम्मच लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा था, था, था। मैंने क्या गुटली उठाई नहीं नहीं मैंने उस प्रिया को बोला कैन है गुटलीस हो यू लाइक लाई मैं असली टेस्ट तो इसी में होता है जी hmm. इतना फ्रैंक था मैं यू you नो know? तो अच्छा अच्छा श्योर उसने प्लेट आगे कर दी अब तभी चेतन साहब ने मुझे लुक दी होगी या नहीं दी होगी आई डोंट नो You know, उससे पहले भी जो खा रहे थे वो भी छुरी से काट बाट के खा रहे थे मैं नहीं, तो अभी हम तो ऐसे आम पकड़ा चूसा फेंक दिया फिर दूध का गिलास भर ऐसे अब दो मैंगज तो मैं खा रहा हूँ तो प्रिया ऐसे नोट किया चेतन साहब आम ऐसे खाए जाते हैं अब थोड़ा थोड़ा सा झटका लगा कि समझ नहीं गंवर आदमी है पता नहीं इसको मालूम था ऑल तो <laughs> अब आम हो गए खत्म बाद में पता लगा प्रिय से जब दोस्ती होती है कि हम भी खाना चाहते हैं चेतन साहब उंगलियाँ चाटने नहीं देते अब लोग <laughs> कटिंग <हैं>। सरदार <laughs> तो तो में ऐसा है इंडियन भी है स्टाइलिश क्या अब क्या हुआ सोने का टाइम आ गया बस माई एंट्री वॉज इन द इवनिंग ओनली तो वहीं मेरा एक दीवान था उस पर मेरा बेड लगा दिया और मैं ऐसे लेटा जब ही तो मेरे अच्छा एक डॉक्कर आया उसने पानी का गिलास रख दिया और साहब मैं सुबह भी लूँगा आपको देखा ठीक है जी जाइए एक छोटा सा कुत्ता घर का ही था स्टे डॉग था बट गर्मी रहता था वो तो आके मेरे बेड के नीचे दीवार के नीचे घुस गया फिर चौदह इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ऐसा सुना हुआ था hmm. तो आई वॉज ए न्यू पर्सन इन द इन हाउस तो घुस गया तो लेट गया था मैं ऐसे सोच रहा हूँ यार ये आदमी जो दिलीप साहब की बातें कर रहे हैं देव साहब की बातें कर रहे हैं चेतन साहब के घर में ऐसे ही ये वो रहना वहना hmm. ही कैनॉट बी ए फ्रॉड ये मेरे दिमाग में वही घूम रहा है hmm. मैं अपनी तरफ से टेस्ट दे रहा हूँ मुझे ये क्या बोलेगा एंड में hmm. तो रात को

हाँ जी अभी मैं रात को अभी तो रात को उधर ही है मेरी रात तो साहब अभी मच्छरों ने काटना शुरू किया यो यहाँ से फिर लाइक एंकल पे काट रहे इधर काट रहे हड्डियों पर तो मेरी जान निकल रही है रो। क्या करूँ की आवाज भी आ रही थोड़ा हिलूँ तो कुत्ता तो इतने में क्या हुआ कि आवाजें आ रही शुरू हुई ये बीच है ना ऐसे जैसे सडन ऐसे बीच पे ही घर था तो आवाजें जैसे भूतों की में होती ना वीर शु। तो बड़ बड़े बड़े बोल्डर्स इसी शोर पे होते हैं ना मरीन ड्राइव पे देखा होगा आपने तो मैंने तो समुद्र देखा नहीं था मालूम नहीं थे आवाज कह की है हवा इतनी हाई टाइड आता है ना हवा बहुत तेज आती है तो वो लकड़ी के दरवाज़ों पर से आवाजें आ रही है मैं बोला साला एक तो अंधेरा ऊपर से ये साला भूत भी है इस घर में <laughs> okay. तो वैन आई वेट टू द बाय मदर हैड गिवन मी और स्मॉल पॉकेट बुक को थे हनुमान चालीसा की वो अब तो है रात को पढ़ लिया करना फिर ठीक है तो बड़ा इतनी बार तो याद था तो मैं जैसे बैठ गए अच्छा बिकॉज ऑफ मच्छरों से बचने के लिए मैंने ऐसे उसको चादर जो थी मेरी उसको ऐसे टेंट बना के ना यू गोल को बाई लाइक दिस ताकि मच्छर अंदर तो फोटो नहीं देख सकते थे अब क्या हुआ कि हनुमान चालीसा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा फिर लो टाइड आता है काफी देर हो गई बैठे बैठे ऐसी चौकड़ी मार के बैठा हुआ था तो हवा बंद हो गई लो टाइड में सीटियाँ बंद हो गई वो जो वेव्स की स्प्लैशिंग आती थी वो भी बंद हो गई तो मैं बोला यार हनुमान जी ने कमाल कर दिया यार वाकई भूत भाग गए और उसके बाद मेरी आँख लगी साब थोड़ी सी और फिर मैं थोड़ा जब उठा तो थोड़ी सी तो अर्ली मॉर्निंग का उनका जाली का लेस का कोई पर्दा था खिड़की के पास जादीवाद था उसमें से तो कुछ रोशनी नज़र आई अब मैं साहब उठाने के कुत्ता था तो बस ऐसे ही देखा इतने में कुत्ता थ्र वो बाहर चला गया और मैं थोड़ी देर के बाद उठ के बाहर आया तो छोटा गार्डन था उनका और ये समुद्र हमने गंगा जमुना देखी थी ये फ्लड्स में तक दिखाई नहीं देता था तो सी टेक यमुना नदी गंगा नदी बिकॉज हाँ, हाँ, अच्छा, अमृतसर हाँ, में तो तीन थी एक बड़ी कैनाल थी रावी की you know? अब क्या हुआ हाँ, देखा तो एंड नजर नहीं आ रहा और ये बीच जो था no बिल्डिंग अभी तो आप जाएंगे ना बाउंड्री पे तो आपको सब बिल्डिंग विल्डिंग नजर आती mm. है एडवर्सोवा आईलैंड तक यू you नो know? पूरा mm. ऐसे राउंड लाइक मरीन ड्राइव की तरह है नो एंड ऑल कोकोनट ट्रीज बेंट टूवर्ड्स द ओशन कोकोनट की एक हैबिट है आस पास कोई बिल्डिंग होती तो दूसरी तरफ जाता है इन माई हाउस ऑल्सो अब नेबर साजा खान तो उसकी बिल्डिंग के पास हमने लगाए थे अब मुझे मालूम नहीं था और बड़े हो गए तो उधर बिल्डिंग है तो मेरा पेड़ सब इधर आने शुरू हो गए नो ऑल दैट ट्रीज तो दे वर लाइक दैट मेरा अभी टाइम चेंज नेक्स्ट डे सॉरी इन द इवनिंग दिस गाई खेम एट अबाउट फोर ओ क्लॉक आई हैड अ गुड नाइट

तो लुक एट दिस बॉय ही डिड गिव दैट ये तो बहुत जी कोई बात नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये है mm -hmm. वो इतने में रोनी भी आ गया mm -hmm. और नाश्ता इधर हुआ उसके बाद में वो छोटा सा बैग था चलो बैठे हार्डली टू फोर लॉन्ग फ्राम हाउस दिस सल एंड तो उन दिनों में एक ये होटल होता था और एक जो होटल होता था mm -hmm. ये बिल्कुल रैंडम है जो बीच के पास से होता था पता नहीं रबाडा या ऐसा रबाडा तो अभी हुआ है पाम ग्रोव इस होटल में आपका एक किस्सा है ना जो आ, पहली बार जब आप सुनील दत्त से मिले आ आरव वही उधर ही आ रहा है इमीडिएटली बिकॉज़ अभी होटल आ गया ना तेज ही शिफ्टेड भी टू दिस होटल एंड ही टोल्ड मी ओके यू स्लीप टेक रेस्ट एंड आई विल कम एट 4:00 देन बिकॉज़ देन वी मीट एट ऑल दैट

उनका ब्रेक होता है ना सो वन वॉज फिस एयर अदर वन एयरवेज अच्छा दन इटालिया हाँ जी तो वो सब बाई द साइड ऑफ द पूल सन टनिंग हो रही है लड़कियाँ बैठी हैं स्टूडेंट बैठ के उनको सन रोशन लगा रहे हैं पीठ पे एंड hmm. बिकनीज में तो आई बिलीव कि ओपन में यार ऐसे कैसे और वो लड़का सबके सामने हाथ लगा रहा करीब लगा रहा ऑल दैट तो मैं चोरी चोरी देख रहा था कि मैं बोला कि यार ये कहीं रोनी सोचेगा कि ये क्या ये बदमाश आदमी है गलत आदमी है लड़कियों को देख रहा है डाल रहा है, तो मैं बस चोरी -चोरी होता है भी यंग थे ऐसा क्या होता है uh. तो यू तो लुक एट देम विद दैट तो अभी भी दोनों तो पिक्चरों में भाई बना था मालूम आपको <laughs> 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 know, रेखा सावन वादो

एक बड़ा टॉवल था टॉवल hmm. आया हाथ आया तो भाई इधर देख रहा था सडली आवाज आई सॉरी रनिंग आई वाज सो थर्स्ट यू नो आई थॉट जस्ट हैव अ डिप ये वो प्रोडक्ट लड़ा hmm. तो आ गया तो वो तौलिया नीचे से जब हटाया सर से तो अंदर सुनील दत्त हम आई लुक्ड एट गुड लक ही हेट्स मैन यू नो हैस बिकॉज़ ऑफ क्लोरीन आईज वर No? Uh, अच्छा। रियल वो, वो डायलॉग भी याद आ गया पच्चीस हजार आने के पच्चीस हजार जाने के बंदूक के ऊपर नोट रखते हैं चमेली जान ये वो समथिंग था वैदा जी थी उसमें तो साहब उसके बाद बातें बातें हुई पीठ गोपाल तो ऐसे गोपाल का हाथ माथ मिलाया न इंटरेस्टेड ना तो चलो चलो घर चलते फिल्म uh, बी आर चोपड़ की हमराज पिक्चर में राजकुमार और सुनील दत्त की रेस लगती है न जब देट कार एम जी थी तो, तो उसमें बैठ गए अभी उसमें तो हाँ. ये ड्राइवर है तो बोट पे बैठ गए मै और रोनी पीछे Achha. पीछे बैठे अभी पकड़ने को हैंडल नहीं है कुछ नहीं है प्रैंक्स चाँद के जैसे बैठा थे तो हम गिर रहे हैं इधर उधर की आ, oh, भारी या ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ तो जाके बंगले में पहुँचे और बड़ा गेट खुला तब तो हमने दिल्ली के गेट देखे नॉट दैट बिग बिग गेट्स एंड ऑल दैट तो पाली हिल पे जब गाड़ी ऐसे चढ़ी तो मैंने ये बोला यार बॉम्बे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पहला hmm. पहाड़ भी है यहाँ पर तो शिमला की तरह ही नो तो गए गाड़ी से उतरे एंड दस के आठ दस लोग आए हुए थे गेस्ट तो वो बैठे हुए थे ऐसे थोड़ा पोटियो था उधर तो बोले रोनी वो सब उसको जाते थे रोनी को सब कोई इंग्लैंड से आए हुए थे कुछ बंगाल से आए हुए थे आठ दस थे दैट वॉज डिनर ऑर्गेनाइज बाई नर्गिस भाभी जी मटका गोश्त बोलते हैं कुछ अच्छा मटका गोश्त शी वॉज शी है तो आटा वाटा लगा के ढक्के लगा के वो स्टीपाना वो मालूम नहीं कौन सा दम तो वो साहब <laughs> थी अब वो लोग आपस में गप्पे मार रहे हैं फलाना कर रहे हैं टिकड़ा मार रहे हैं उसके बाद वे नौकरा रात को ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे सब खाना लगा दो अच्छा वहां पर भी डिप लाइट नहीं यार धीरे में ये रहे क्यों क्यों रहे ये है यार और झाड़ के पीछे रखी हुई और फ्लाट के पीछे रखी हुई ना मूड लाइटिंग मूड लाइटिंग वही मैं बोलो आपको और बाद में पता लगा ये बूढ़ लाइटिंग होती है तो मतलब इतनी दूर से फेस नजर नहीं आ रहा है कैन यू इमेजिन इतनी लाइट होती थी ग्लास नजर आते थे बोतल नजर आती थी ऐसा था बोले भाई यार बाद में गर्म करो बाद में आते हैं फिर दोबारा रात को एक बजे तीन बार आया तीन बार वापस भेज दिया उसको अब एक लेडी की आवाज़ आई सो दिस प्लेटफॉर्म वॉज आप यू नो दिस टेरेस तो थोड़ा नीचे थी पर नीचे से आवाज़ आई अच्छा तो सारे खड़े हो गए इट वॉज़ नर्विस अब थोड़ा फिर और खड़े होने के बाद पता लगा इज़ मदर इंडिया मदर इंडिया आपने देख ली थी शी इज वेरी वेरी यंग दैट ओल्ड ऑल काइंड ऑफ अब क्या हुआ चलो चलो कितने शराब पियोगे डांट डूट दिया सबको उठाओ उठाओ अपना ग्लास रात के दो बज गए <laughs> तो सारे उठ के अपना अपना ग्लास लेके बंगले के अंदर अब ये बंगले का डाइनिंग टेबल था ये सामने किचन थी और भाभी जी रात को ढाई बजे स्विता जी खड़ी है वो औरत और एवरी गेस्ट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर वाह अब ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा मैं कि यार ऐसा भी होता है फिल्मों में कितने नौकर हो गए कितने हो गए ऑल दैट हम गरीब लोग हैं फिर भी बारह एक दो तो घर में होते ही है पर लेट नाइट नहीं होती थी ना हमारी तो पर वाई शी हैड टू यू नो कटिंग गए मटका हो गया बीच में ये दत्त साहब अपनी किस्मत देखो जिनकी फोटो देखना मुश्किल होता है ये मटका ये मैं ये रोनी ये उनके बाकी दोस्त ये नरगिस खड़ी है तो मटके आटा वाटा निकाला उस पर से धुआं निकला स्टीम तो सारे हा वाहन में ठीक है आई एम नॉट अ पंडित बट अभी कभी अर्जी नहीं हुई मेरे खाने की दैट मैं बच्चे खाते हैं सब खाते हैं दोस्त खाते हैं सब लोग खाते हैं लीजिए एक से बात लीजिए आप <laughs> तो, तो उसके बाद में कितनी लंबी कड़छी आई कड़छी बोलते ना उसको नहीं। नहीं। और मटके के अंदर घुमाई गई फिर उससे स्टीम और निकली और सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं तो ओनली गोश्त एंड सैलेड वो दे ऑन द टेबल नथिंग एल्स क्या नो मैं आप बताता था ना आपको अभी क्या हुआ Uh, दस साल ने पहली प्लेट टेक्स टू हिमाव दे मेरी प्लेट लेके जब कड़ची हुआ इतना बड़ा मटन का पीस मै जी दस दे जी सर 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 नहीं मैं नहीं खा सकता होड़ी मीन क्यों नहीं खा सकते दस साल मैं वेजिटेरियन है भाई सर मिसिस दत्त ने अपने हाथ से बनाया hey. ला ला इधर लाओ मैजी नहीं होगा बिल्कुल वे नहीं, नहीं, नहीं अल्टी उल्टी बोले यार ये बकरा भी खास खाता है वेजिटेरियन है बकरा आई स्टिल रिम्बर दैट डायलॉग फिर उन्होंने भाभी जी ने बोला दस साहब जिद मत करो ना तो अंदर आवाज़ लगाई वहीं सही कंगारा दोपहर का कुछ है खाना? तो बोले हामेम साहब दाल है अच्छा तड़का लगा के पराठा बनाओ तो पराठे वराठे तो हमको पराठा और दाल मिली हमने खाई तीन बढ़ गए तीन साढ़े तीन अब वापसी पे क्यों भी कैसा लगा क्या है वो है मैं ये समझ नहीं आई मेरे को पहले तो एक बात मेरा क्लियर करो यार यार धेरे बे कर रहे थे ये सब लोग रोनी साहड इज मूड लाइटिंग और समथिंग लाइक अग्रेज टाइप था गुड लकिंग मैन चलो कोई बात नहीं आ गए सडन सेडन ड्रॉप किया एंड डी बस्ट ए चेतन साहब चला गया कल टमोरो राजउट टू ओ क्लॉक आफ्टर लंच वी लीव तो मैंने पूछा नहीं कौन राज कैसा राज तो आया आओ नीचे आओ चलो पहुंच गए तो गाड़ी चली राज कपूर के स्टूडियो आर के स्टूडियो ओ माय गुडनेस सी माय लाइफ स्टार्टेड लाइक दिस एंड आईड नो बैकग्राउंड ऑफ एनी ट्रेनिंग नो इंस्टीट्यूट नो स्टेज टॉप नॉच सुनील कैन यू इमेजिन दिस इज अनबिलीवेबल सो दिस वाज माय लक जस्ट आई एम सो ब्लेस्ड और ऐसे बैठा हो जो ना ये नहीं कि अंजी दुर् पीछे कहीं बैठा हुआ तो वो साहब गाड़ी चलती गई अब दिन में पहली बार मुंबई देख रहा हूँ सड़ी हुई बिल्डिंगे बिल्ड बिल्ड विल्डिंग साइन वाइन पता नहीं क्या फिर वो वहाँ से गाड़ी जब निकली तो ये शटल ट्रेन जो होती है इलेक्ट्रिक ट्रेन निकली है तो थोड़ा आई वज एक्सप्लोरिंग मुंबई लाइक like दैट तो वहाँ पहुँचे जब गेट पे तो फिर अगेन बिग आर के का स्टूडियो का वो क्या, गेट वो उनका था वो जो था ना एक मोनोग्राफ था और कल सिंबल जो था वो पीपल से इट वाज नरगिस को जानते नहीं है बट मे बी हां इट वाज दैट इज कंफर्मड वो पोस बॉयलेट और ये ऐसा था बिल्कुल सेंटर में बना हुआ था और जब खुला तो उनकी पिक्चर मैंने देखनी उनकी मैं तो हर रोज चोरी चोरी जाके कोई उन दिनों में रिड्यूस्ड रेट वाली पिक्चरें होती थी हाँ, सुबह हम दोनों देखने की दोपहर में गाइड देखे देखी रात को किसी और देख रही थी पर शाम को घर जा रहे फुटबॉल खेल के रात को माँ बड़े प्यार से हजार दिन आया दूध में मलाई मलाई डाल के घी भी डाल के ये नहीं पता कि देख रहा था हाँ था। ये नहीं पता हाँ। हाँ। किसी को नहीं माना मेरे यार दोस्त भी बात थी तो बिल्कुल और इतने में क्या हुआ फ़ोन वोन भी नहीं था कि हाँ जी घर में कोई इंक्वारी करे अब क्या हुआ कि गए हम तो उनको मालूम था तो सामने लॉर्ड शिवा का एक स्टैचू था उनके इधर ऑफिस के पास ही तो आई रिलेटेड विद विद एवरी पिक्चर स्टार्टेड लॉर्ड शिवाज लॉर्डी yeah, पूजा करता है ऐसा था hmm. मैंने दिमाग में तो मैं बोला ये तो वही है उसी यू नो ऑल दैट तो वॉचमैन को मालूम था तो उसने बोला इधर लेफ्ट पे जाके राइट पे साहब की कॉटेज है उन्होंने वहीं बुलाया आपको चले गए अब पहली बार मेरे फ्रैकली स्पीकिंग चेतन साहब को मिला दत्त साहब को मिला मेरे को वो नहीं था अब जैसे किसी कॉलेज में या किसी मंदिर में जाओ या किसी ऐसी जगह पे जाओ यूनिवर्सिटी में जाओ तो एक होता है दिल में एक थोड़ा सा टक टक डिसिप्लिन टाइप यू नो अंदर से कुछ hmm. होता है यू नो यू स्टार्ट नॉट कि हाँ जी हंस रहे हैं मजाक कर रहे हैं नॉल देंट hmm. तो मंदिर में तो वैसे सीधे हो जाते हैं तो जैसे खोला खुला था, देखा तो थोड़ा सा फीलिंग ऑफ द स्टूडियो दिल जिसको बोलते हैं एंड uh, अब मेरा वो नहीं था कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ या क्या होने वाला हो कभी नहीं ऐसा आ रहा था दिमाग में गए उसने दरवाज़ा खोला तोड़ की एक कॉटेज थी साहब की इतना बड़ा तो कमरे में हम बैठे और चाय लेने के लिए चला गया तो दीवार पे लाइफ साइज फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल हिज हीरोइंस राज साहब की और पूरी पाँच पाँच फुट लंबी तो हम तो इतनी इतनी फोटो देखी हुई थी लाइफ में ना मैक्सीम कि फोटोग्राफर की दुकान पे भी ये ब्लो अप थी हाँ थी। और ये ब्लो अप और बाकी जब पिक्चरें देखने जाता था तो इतने इतने शीटरों थे जो फोटोग्राफ बनते पब्लिसिटी के लिए तो इतनी लंबी पूरी बिजंती माला खड़ी है और पदवड़ी खड़ी वाटरफॉल के नीचे इस तरह सब हीरोइन नरगिस की भी कोई हीरो नहीं सिर्फ हीरोइन हीरोइन ओनली राज साहब काफी शौकीन थे ना हाँ। शौकीन तो पिक्चर बनाने के थे वो तो बाकी तो सारे होते हैं नहीं उनकी दे टू बी पैशनेट उनकी एक्ट्रेसेस के बारे में तो, वो तो देव साहब की भी तो है ना जी <laughs> दिलीप साहब की भी ऐसी बात नहीं है सबको मिल चुका हूँ हु। अब क्या हुआ तो पिता देख रहा था देख रहा था इतने राज्य की एंट्री हो गई सॉरी रोनी जी वो क्या अचीव सा पिक्चरों में भी ऐसे ही बोलता है बिल्ली ब्लड फ्रॉम इतना था oh. oh. आंखें तो गोपाल 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 से मिला बैठ गए और गप्पे चल रही है फिर बेराडाम वो, वो जो जोकर पिक्चर थी ना oh. उसकी हीरोइन वो एल्बम वगैरा दिखा रहे हैं ਰੋਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੈਜਲ

तो साहब तो हाँ he's telling वो चाहे भाई वही फलाना चलो गाना देखते अब मैं सोचा कि ये हम लोग किसी थिएटर में जाके गाना वाना देखेंगे कुछ कुछ दिखाएंगे तो वह पैदल ही गए वो जहाँ लॉर्ड शिवा का लगा हुआ था स्टैचू उसके पीछे सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर ही थिएटर था उनका अपरा तो अंदर गए मैंने सोचा टिकट विकट ले कुछ होगा ऐसा ड्रामा कुछ नहीं जी एक बड़ा सोफा था एक कुर्सी इधर एक कुर्सी इधर एस्ट्रे टेबल हाँ जी शुरू करो जी और जोकर का जो गाना जिसमें बहुत सारे एक्टर होते हैं ना स्विंग करते हुँ, हैं ये करते हैं सब लोग ऐसा वो वाला वो तो रशन्स भी थी हाँ हाँ, हाँ। वो ही सर्कस का था ना सर्कस हाँ। वो लगा गाना तो बीच में चलते चलते, चलते रा, स, राज साहब ने बोल दिया रोको कटे रील मार ले क्या हो जी वो पीछे उठ वो था क्या बोलते उसको प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर था तो वहाँ से वो बंद हुआ तो अल्टीमेटली वो रील लेके आए तो कोने में टेक्निक वाज जो थी उन दिनों में एक इतनी सी मशीन थी इतनी ऊँची स्टूल टाइप ये कुर्सी उसको मूवी अल्ला बोलते थे ना और उसके नीचे एक जीरो वर्ड का बल्ब लगा होता था शीशे के ऊपर और वो फिर रील चलाते थे उसके ऊपर तो वो दिखाई देता एक एक फ्रेम दिखाई देता ये 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 हाथ से है ना ये एक जगह रोका और फिल्म बाहर निकाली उधर कोई एक कटर नहीं नहीं कटर थी ये लिप्स ये लगाते हैं नेल पॉलिश लड़कियाँ वैसी को बॉटल थी तो इन्होंने कैंची उठाई उसको काटा फिर इतना फिल्म को लेके उसको काटा फिर उसके ऊपर रख के ऐसे नेल पॉलिश डाल के आ, जाओ जी अब लगाओ किसी को काट दिया हाँ कुछ काट दिया उन्होंने और फिर में लगी फिर बड़े वापाया बोले दिस वॉज ड्रैगिंग मतलब नहीं चलने का। उसके बाद बोले जी कट शॉर्ट घर चलते जी तो आर के पीछे स्टूडियो के पीछे ही उनका थोड़ा आगे जाके घर था वहाँ पहुँचे हम चेंबूर चेंबूर हाँ और वहाँ पर अंदर जब गए उनके तो डब्बू था रणधीर कपूर उनका बेटा हाँ। अ पुत्र एरणि जी हां चल ड्रिंक बड़ा ए मेरा भाई रदीर कपूर है जी बड़ा प्यार से पंजाबी वे तो हमने भी आदत तो बिला गोपाल पता है नाम तो भूल गए उनको छोटे तो बेटे से वो नहीं ड्रिंक बनवा रहे थे ड्रिंक नहीं डब्बू वाज द एल्डस्ट हां बट ही मस्ट हैव बीन व्हाट 14 15 नो 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 ही वाज बाय एज्ड अच्छा डब्बू आपके हां हां करेक्ट चिंटू छोडा हाँ, okay. तीसरा राजीव था ऑल दैट हाँ, तो ये रणधीर ये रणधीर कपूर हाँ, तो, हाँ, हाँ, तो हम बातें तो कब खिसका मालूम नहीं ड्रिंक क्या हुआ विस्की है। बिस्की, विस्की। बिस्की विस्की। बिस्की विद सोडा वॉटर हाँ, कुछ आपकी आपका और उनका ड्रिंक वही सेब से ना मैं कैसे बोलूँ मैं लेता चुप था बस मैं तो देख रहा स्टडी कर रहा था

जिसपे पब्लिसिटी वगैरह कुछ हो या घर में पता हाँ। लगे भाई इतना मालूम था फिल्मों में चलाया कंजरों के कंजर, कंजर पंजाबी <laughs> में प्यार से कंजरा वाला काम करता है बरासी बन गया बेटा नाम बदनाम कर दिया फैमिली का अब क्या हुआ शर्मेली में, में मेरी ऑटोग्राफ लेने शुरू हो गई पब्लिक ये नॉन वेद सक्सेस ऑफ योर फिल्म रेशमा शर्भ पहले इतनी नहीं चली थी ये चली थी सावन बाद वो चली थी तो थोड़ा प्रेस वाले भी दयालु हो गए थे yeah. अरे इधर आया इधर खड़ो हो गया तो।, yeah. तो मेरे तो भोरे भी पर टाग वांग खींची गई थी अब hmm. क्या हुआ ये घर वालों को दिल्ली में प्रीमियर hmm. वो प्लाजा सिनेमा है उधर एक क्राउड प्लेस में तो मैं जी घर गया पहले तो सब गुस्से में क्यों आया ये यहाँ पर मैं जी देखो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी गलत लाइन में हूँ फलाना रहा हूँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं ये है वो है ये है, ए शामी ए पास में छड़ के जा रहा छा छोड़ के जा रहा हूँ आप लोग आइए और देखिए क्या कर रहा हूँ मैं आई वॉन्ट टू शो द पीपल आर दीपल फोटो खींच रहे हैं दे विल बी प्राउड ऑफ मी मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं भीड़ ले रहे हैं एंड ऑल दैट ऑफ मेरा वही मोटिव था अब वो साहब फूफा फूफी चाचा चाची ये वो पापा जी चाची सात आठ पास दे दिए उनको अब बैठ गया तो मैं जाके थिएटर में भी उनके साथ ही बैठा mm -hmm. और शर्मिली में और राखी का बलस्टेड सीन था एक मेरा उनसे mm -hmm. बदलों से पकड़ता हूँ उसको और जैसा घुमाता हूँ और उसके बाद इंटरवल हो जाता है कुछ ऐसा था आई डोंट रिम्बर सो दे प्रीमियर यूज टू बी ग्रैंड दोस्ट इज वैदर आई एम वर्किंग इन योर फिल्म नॉट तो प्रीमियर पे हम लोग जाते थे ड्रेसअप mm -hmm. होके बाद में जब स्टार बन गए एक्टर बन गए तो कौन सी गर्लफ्रेंड या कौन सी हिरन को साथ में लेके जा रहेगा ऐसे एंट्री होती थी और उस प्रोड्यूसर के लिए है बुक लेके जाते थे हम लोग गुड विशेज तो वहाँ फिर वो इंटरवल पे सारे यूनिट को कैमरामैन डायरेक्टर प्रोडक्शन ये वो सबको कास्ट और डैस पे बुलाते थे हुँ. तो वह क्या इंट्रोडक्शन वगैरह दी गई और नाम तब मेरा सुनील दत्त साहब ने चेंज कर दिया बोले यार गोपाल जो जब वाई ड्यूरिंग शूटिंग me, ही चेंज माय नेम फ्रॉम गोपाल टू रंजीत ही आज भी यार तू फिल्मी नाम रख ले यार कोई मैं देखो बलराज बलराजू मैंने सुनील दत्त दिलीप कुमार यूसुफ खान है और दिलीप कुमार फिर वो काका का नाम ही बताया था जतिन सब चलाता जीतू का रवि था कोई नाम तो मैं दस साहब आप ही रख दो ना वी वा गोइंग टू जैसलमेर ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ मी आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट

अब हमने राणा रणजीत सिंह मानो था इज अ ग्रेट किंग सारा हाँ। पर उनके चेचक के दाग थे कुछ हाँ। ये थे फलाना थे एंड एक आंख से गड़ौड़ी हाँ। थी वॉर में तो अब मैं अभी साहब आई वॉज़ वेरी रिस्पेक्टफुल उसने नाम बोला है सजेस्ट किया है तो भाई जी ठीक है जी मैं दस तो वो काम होगा तो नाम चलेगा नहीं तो क्या है, है ओ नहीं बचे तो देखना हो गया हाँ। जैसलमेर पहुँच गए वहाँ से फ़ोन पर बता दिया गया बॉम्बे इन फ्यूचर ऑल द पब्लिसिटी डोंट यूज़ गोपाल से रंजीत तो शर्मिली में ये प्रीमियर तारीफ हुई एंड uh, कुछ हेडलाइट भी मिल गई कि न्यू विलन इज बॉर पर उस उसमें योर पेरेंट्स गॉट एंग्री ना आपने जब ने जब आई नो आई नो ना हाँ। ये तो प्रीमियर पे जब गए हाँ। तो इंटरवल के बाद में मैं आई केप टू माय सीट पिक्चर शुरू हो गई तो सीटें सर सब सीटें खाली थी ओह तो मैंने जो तो बैठा होता जो मैं ये लोग किधर है बोले तो बहुत देर से चलेगा आई नहीं मतलब ड्यूरिंग इंटरवल वगैरह चले गए थे अच्छा उठो जी एक कंजरा का काम शुरू किया है तो पुत्र ने फलाना फलाना जी तो नाम बदनाम कर दिया बाप की नाक कटवा दी डॉल क्यों क्योंकि थप्पड़ मारा था आपको किसने पिक्चर में नो नो उससे पहले ही राखी के कपड़े फाड़ रहा ना दे सॉ दैट ना मोलेस्टेशन सीन हाँ अब क्या हुआ कि रात को एक बजे पार्टी खत्म हुई तो मैं अभी भी जब जाता हूँ दिल्ली तो आई स्टे ना पेरेंट्स आर नॉट देयर तो आई स्टे इन माय सिस्टर्स हाउस होटल की खबर है चाबी होती है बट आई गो एंड स्पेंड द नाइट देयर विद देम अब जी क्या हुआ मैं पार्टी के बाद घर गया घर hmm. गया तो रात को एक देड़ दो बजे पहुंचा हुआ मैं वी लिव इन मॉडल टाउन यूनिवर्सिटी के आगे नो hmm. तो वहां पर राखी वॉज इ्व विद गुलजार अच्छा तो गुलजार स्टे इज शक्ति नगर शक्ति नगर मॉडल टाउन इज हार्डली करेक्ट वन माइल में तो प्रोड्यूसर ने बोला कि इनको रस्ते में ड्रॉप कर देना और कल सुबह गाड़ी वही खड़ा दो और कल सुबह इनको पिकअप करके आ जाना ठीक है तो आई ड्रॉप था देन आई वेंट टू मॉडल टाउन एंड देन दोमेंट आई एंटर्ड तो ऐसे लगा कि पता नहीं कॉन्टफ्रेंस चल रही थी वहाँ पर सारे के सारे बैठे थे और भी डटी लोग अभी कोई उठ के गोली मार देगा ना समथिंग लाइक दैट मैं बड़ा परेशान कुछ गड़बड़ होती नहीं कोई मरते नहीं गए गैर वाले सबथिंग लाइक दैट माँ ने बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हो जाने की ये है वो है अच्छा मैं जी मैंने क्या किया है अभी कुछ छोड़ा है तूने हैं लड़कियों को बालों से खींचता है और कपड़े फाड़ता है ये काम होता है क्या ये कोई डॉक्टर का रोल कर कोई आर्मी रोल कर कोई फिलड़ा कर ये की है की है बाप का डाक कटवा दिया कौन सा मुंह लेके अमृतर जाएगा तो मैंने जी वो तो काम है जी वो तो करेक्टर होता है दफा हो जाओ जैसा था मैं बैठा गाड़ी में शक्ति नगर मैं जो मेरी बचाओ यार मेरे को वो सब सोचते हैं कि जैसे मैं रियली तेरे को मैंने नो ऐसे तो राखी मैम के पास पहुंच गया आप हाँ घर पे तो साहब शी वॉज वेरी स्वीट कम्युनिट भी मॉडल टाउन मॉडल टाउन नज़दीक ही था तो उसको देख के मेरी माँ रोना शुरू हो गई Hmm. मेरे ने क्या किया मेरे साथ? कितनी कितनी छोड़ी कुड़ी है देखो ये वो बोली -बोली, तो मुझे है, मैं अपने की तेरे से <laughs> वो बड़ी परेशान हो रही है अच्छा उसकी हिंदी अच्छा अच्छी नहीं थी hmm. नहीं मामा खूब हालो ये वो फराड़ा फराड़ा ये वो बतब... वो पंजाबी में ये बंगाली में जी बंगाली हिंदी बोलती थी याद करके बोलती थी हिंदी तो अल्टीमेटली आई वॉज पार्डन ली डॉ कहने कटिंग क्रोडली डॉ ये ऐसे क्लैरिफिकेशन हो गई थी वो काम दूसरा hmm. अभी हमारे मॉडर्न टाउन में एक थिएटर होता था है भी पता नहीं अल्पना hmm. और हर पिक्चर लगी तो तब तो मेरे को बहुत कामेला शर्मिली के बाद आई साइंड लेफ्ट राइट ये वो कभी स्टोरी सुन रहा नहीं ना मैं क्या कर रहा है जो मेरे पास आया है ही नीड्स मी ही विल जस्टिफाई वाई शुड आई लिसन टू द स्टोरी हाँ को गैटअप वेटअप डाकू बडम कुछ कैसी लगानी ये करो उतना तो आई बिकेम वेरी बिजी तो बाय द वुड टेकर फ्रेंड्स आफ्टर लंच अल्पना में और मैनेजर फ्री में पास भेज देता था कि भैन जी ओ, ओ रंजीदी पिक्चर लगी है जी आ जाओ नवी पिक्चर लगी है तो लाइक दैट काइंड फोन वो लग गया था तभी तो साहब पहली बार शीशो अभी डाइंग ऑन द स्क्रीन अब किस माँ को कैसे पता लगेगा

तो साहब वो सब सहेलियाँ भाजी क्या होया क्या मेरा पुत्र मर गया यू नो पर बाद में पता लग गया क्लाइमेक्स आने वाला है या भैया मरेगा या पुलिस ले जाएगी तो उठ जाती थी वो चलो चलो बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे शी डिड वॉन्ट टू सी वो विच मदर विल लाइक चाहे नकली हो इवन नो शी न्यू फिर भी

तभी आप मुझे बोलेंगे मुझे डर डर लगता था डिशो, डिशो डिशो क्या चीज <laughs> मतलब फॉर इन माई चाइल्ड हुड इट वॉज दैट कि आपके जो कैरेक्टर्स थे उसमें कोई ग्रे शेड नहीं था पूरा का पूरा ईवल मतलब एक भी रत्ती भर उसमें यू नो शेड ऑफ शक्ल से ही तो लगता था <laughs> अभी ये आया इसकी शक्ल में लिखा हुआ ये क्या कहना चाहता है है ना right? आपके आउटफिट हो जाए वो सफेद सूट हो, हो जाए हमारे वो होते थे ना डिजाइनर हाँ। खुद ही अपना डिजाइन कर लेते थे अच्छा आप वो सफेद वाले सूट अपने आप करते थे हाँ टेलर को थे थे, हाँ। वो। ये सिर्फ लड़कियों के होते थे ये दो तीन थी जो साड़ियाँ वाणिया डिजाइन करती थी, हाँ। थी। जैसे अजीत

मैंने आठ आठ फिल्मों की शूटिंग की है ये बोलते ना जो आई डोंट बिलीव इट आई टेल यू वेरी फ्रैंकली हम रोल में डूब जाते हैं मर जाते हैं <laughs> मेरे तो मेरी लाइफ उल्टा शुरू हुई ना पहले फिल्में की फिर मैंने वो की टी वी भी किया <laughs> वो भी कॉमेडी से शुरू किया बात <laughs> बन जाए देन आई द टू स्टेज अब्रॉड ऑल्सो थिएटर भी किया <laughs> <laughs> तो थिएटर में जो मुझे सपोर्ट करने वाले थे हम क्यों दे देंगे और खुद ही डायलॉग बोल गए तो राज कपूर से जब मिले उनकी कौन सी पिक्चर की आपने साहब के साथ मैंने अब्दुल्ला काम किया था और एक और पिक्चर थी hmm. पर दिस कपूर हुआ रवीर कपूर हुआ शशि कपूर हुआ नॉट विद अ टैक्सी मुझे शशि कपूर को आए जी एक घंटे टैक्सी हायर करके आए हैं आज हाँ। अब ये टैक्सी कहीं और जाएगी अच्छा तो जाए। आपका वो रेपुटेशन बन चुका था कि आप कई सारी फिल्में एक साथ कर रहे हैं बिकॉज हैड नो चॉइस बाई ऑल द हीरोज वर यू नो ऑल द हीरोज कि शाम हुई है सनसेट हुआ नहीं तो दारू किधर है हाँ तो मेरा घर था मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे घर था

देव तो हमारे नेबर हाउस खान फैमिली या एंड देन देन धरन जी एंड देन ऑल शत्रु एंड देन इंस्टीट्यूट के बड़े थे ना, ना वो भी सब हुँ. पर कुछ थोड़े से ग्लैमरस प्रोड्यूसर भी होते थे वो भी हर रोज शाम को चलो यार भाई चलते हैं कोई क्लब में कोई जाते नहीं दैट वाज नॉट अ सीन तो फिल्म शूट करके लोग हुआ, हुआ तो उधर आ जाओ खाने तो कहीं खाना ना तो होटलों में तो जाते नहीं थे ना हुँ हुँ हुँ. और मेरा घर जो चलता था साइड एंड साइड की किचन से चलता था इधर एक सैम्पन रेस्टोरेंट होता था चाइनीस उसका खाना बहुत बढ़िया होता था तो खाना यहाँ से जाता था खाना फोन कर दिया तो पैक हो गया फर्स्ट क्लास चले जाता था।, 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 था बाकी जो ताज़ा बनाना बाबे वगैरह वो तो उधर बना लेते थे वो खुद ही बना लेते थे अच्छा। अभी संजीव कुमार और रात को एक एक दो दो बोतलें पीने वाले राजेश खन्ना नो तो और आप सबको पिलाते थे पर पीते नहीं थे

और सब मतलब इतना पीने वाले कि रुकावट नहीं होती थी फिर कोई इवेंट कोई हो तो आज आज पार्टी है पार्टी का मतलब ये है जैसे तो रोज फिर अगर रोज पीते थे तो अगले दिन शूट पे कैसे जाते थे वही तो मेरे को अस्सी आठ आठ शूटिंग क्यों करता था मैं ये तो दो बजे से पहले उठते नहीं थे एक एक बजे से उठते नहीं थे दस बजे की शूट में ऑल दिस वुड कम अपना आराम से लंच के आसपास फिर लंच खाया उसके बाद शूटिंग शुरू होती थी तब तक मेरी डेट खत्म हो जाती थी हाँ

ऊपर खोलो तो वह डबल बेड बन जाता था आपकी कुछ मूवी के जो डायलॉग्स थे मेरी टीम ने निकाला था उसमें था ये एक जैसे एक है और चिल्ला यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं है हुँ? नहीं ऐसा तो नहीं होता था और एक डायलॉग था इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए क्यों छोड़ दू कभी नहीं मतलब रियली चीजी चीप काइंड ऑफ डायलॉग क्रीपी देखो ना देखो तो... अभी भी लग रहा है

वन एट एन टाइप तो होती थी कभी कोई रानी है तो कभी इंग्लिश है तो कभी ऑल आल्सो का स्पीकिंग फॉर इलेवन ईर्स शी एड नो बडी एयर्स बट मैं जब मुझे जब मैं कुछ भी नहीं था तब से मेरी दोस्ती किसी के यहाँ हुई थी किसी के दोस्त के यहाँ तो वैन आई बिकेम एन एक्टर सो आई माई हाउस एंड वान्स माई पेरेंट्स केम एंड उनका कल्चर तो है ही लड़की बिना शादी घर में कैसे रह सकती mm, mm. है तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी कि उसको कार रखू है किधर भेजू <laughs> फिर समझाया और लोगों को समझाया ठीक है दे दैट दे हैड नो चॉइस यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई नेवर यू नो एक्सप्लोटेड एनीबॉडी आई हैड नो गॉड फादर टिल टुडे एंड आई डिड फिल्म्स

और जी पॉड पे क्या बोलते हैं ना हाँ? वो इंटरव्यूस लेने के लिए हाँ? तो तो uh, right? चाइल्डहुड का एक अहम हिस्सा है आप जब हम फिल्में देखने जाते थे तो जो द फियर फैक्टर उस टाइम हॉरर फिल्में तो होती नहीं थी तो हॉरर का मतलब आपका नाम होता था हाँ वही ना स्मिता जी there was not a single film where I was not there. When I'm getting paid for some role, yeah. if I don't play that character, hmm. how will I justify? But आपने कभी डायरेक्टर से नहीं बोला कि मुझे कोई और रोल दे दो मैं ठग या ये करके। I'm sorry, uh, fortunately, I'll call it fortunately. Hmm. Unfortunately इसलिए so like I never played my life कि अब मैं ये करूँगा अब मैं ये करूँगा या शत्रुभी रोबन या विनोद खनावड़ा ना ओ डेट कैंडल्स। नहीं and I found these roles more interesting, you know. वर नॉट अभी बकरे का जो आप बोल रहे हैं ये जो है हर पिक्चर में सामने बकरा बोल रहा है डेन के अंदर और सामने बिंदु जी डांस कर रही है सारा दिन तभी बैठना पड़ता था और ऐसी तो इधर हवा एंड स्टिंग सारा दिन जलता रहता था ना बटन फिर मैंने एक दिन अपने आर्ट डायरेक्टर को पूछा यार आई हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम भाई ये तुम इतने अच्छे सेट लगते हो नज़दीक से लगता है कि रियल है यू यू मेक सम सम चिकन और बकरे फॉर नो दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो उसने आर्ट डायरेक्टर ने बना दिया बकरा तो मेरा प्रोड्यूसर बहुत खुश बोला कपूर साहब अभी ये बकरे वक्रा आप आपका बड़ा खर्चा होता है हर रोज है ये है वो है कल सब बकरा बे भेजेगा आपको नहीं गोली साहब आप कैसे करेंगे और दे यार फैमिली यार कोई बात नहीं और डॉक्टर ने जाके सुबह सुबह वो लॉग लौ, लॉग्स के ऊपर बकरा लगा के हेडल लगा के रॉड लगा के उसके ऊपर वॉर्निश विश लगा के रियल मटन जो होता है ना अच्छा पूरा का पूरा गर्दन से लेके पीछे तक लगा दिया डिचाक जल रही है गाना कल जो कर रहे थे वो आज फिर शुरू हो गया और सारा यूनिट जो होता था पैका बोला नहीं तो डायरेक्टर ने सब बड़े चाकू लेके आते थे

वॉज फ्राम साउथ बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आती थी और वो खुद जाके पर जाकर बैठ जाता था एक्शन में तो मैं पहुंचा मैंने मजाक मेरा मजाक चलता रहता था मैं सट पर ही जैसे आप मेरे हीरो ने डालिंग थोड़ा उधर मुखर मैं चेंज कर लेता हूँ तो ऐसे करके नॉर्मल इन दैट लाइक दैट तो अब एक्सेप्टेड लाइक दैट नहीं तो बोलेंगे नकली है नो तो वो पता लगा ये सीक्वेंस है फाइट मास्टर्स और फाइटर्स भी बड़े यू नो दोस्ती होती ऑल दे यूज्ड टू बी टेक्नीशियंस आई वेरी कूल विद देम एवरीबॉडी नॉट अ स्टेटस लवर अब क्या हुआ शुरू हुआ तो इट वाज अ हैंड कार्ट होती ना जो मजदूर लेके चलते हैं उसका बाप बड़ा गरीब था तो वो हैंड पुल करता था बेगौली एक्टर था वो उसके ऊपर ही बल स्टेशन चलो उसके ऊपर ही सब्जियां भाजियाँ जो कुछ भी रखी हुई थी उसके ऊपर ही गया उसको कुछ था और वो बड़ा रोना धोना चलता रहा फिर मेरे को किसी और शूटिंग में जाना था तो मैंने उनको बोला यार टाइम खत्म हो रहा है उनको बोलो तो कोई बताया नहीं मेरे को कि माधुरी इज नॉट अग्रेंग तो अभी क्या हुआ अल्टीमेटली शी मान गई कैसे भी है तो फाइट मास्टर ने बोल दिया वीरू देवगंश फादर वाज फाइट मास्टर उसने बोल दिया जब एक्शन होगा ना मैगजीन हज़ार फुट की डाल दो बतलो बीच में कैमरा कटरी होना चाहिए हाँ। तो फिर हो सकता है ब्रेक हो जाए तो फिर बोले कि नहीं करने रहे का रहेगा तो डाल के वो कैमरा चल रहा है तो उन्हें बोला घुभाते रहो उसको काट को दिस्ती हाँ। वो फिर उसमें और मैं क्या करता ऑल माई वर वेरी फ्राउंड ऑफ मी एंड बिकॉज आई नेवर यूज री फोर्स आई यूज टू टेक माई फेस बिहाइंड हेयर बालों में छुपा के उसके कानों में बोलता था अब मेरे बाल खींचो पीछे से हाँ, अब मेरे मुँह पे अपने नाखून मारो ना? तो आई यूज टू गिव कॉमेंट्री टू दैप एंड नॉट यूजिंग माई फोर्स एंड ऑल दैट तो दैटी वो यूज टू रिएक्ट बाल खींचे थे फिर ये जो डायलॉग वाले चिल्लाओ जाने मन जितना चिल्लाओगी तुम्हारी बात टक्कर आकर तुम्हारे पास ही आ जाएगी और हाँ. खुद ही बोलते थे बदा के ये नो तो बदा करते थे तो हाँ. पर वो काटती थी लड़की हाथ छोड़ाने के लिए काटो जाने मन जितना काटोगी, काटोगी काटो मेरे करीब आओगी दूर से तो काटी नहीं सकती हो। आए, आए, देखो देखो। इनको ऑडियंस <laughs> कैसे इंटरव्यू थ्रो इट आप लिखा था और ऐसे से तो बोला, बोला करते थे या डायलॉग्स तो हीरोन से होते थे हमारे का होते थे हम तो खुद ही बोल देते थे तो आपको आया कैसे इतना गंदा गंदा सा डायलॉग? इसमें क्या गंदा है? है तुम्हारी आवाज आवाज इधर कोई नहीं चिल्लाओगी तुम्हारे पास आएगी hmm. अब ये काटेगी, दूर से दंदी कैसे मेरे करीब दूर से तो ही नहीं सकती हो आपकी गर्लफ्रेंड <laughs> हुई कैसी हाउ के गर्लफ्रेंड ऑफ योर बेस्ट ऑफ द गर्लफ्रेंड बिकॉज इन माई रियल लाइफ आई एम उसके बाद खुद ही मजा कर रहा है और तेरा आजकल कहा लफड़ा चल रहा है फिर बोलेगे सर शॉर्ट रेडी आते है अच्छा ठीक है बात करते बात करते शॉर्ट दे दिया फिर अच्छा और यार हमारी बारी कब आएगी यू नो ऐसे ऐसे मजाक मजाक चलता रहता था इट वॉज सो फन इट वॉज लाइक फैमिली इट्स नॉट दैट कि एक हाथ पे मोबाइल दूसरे हाथ पे ये चार बाउसर खड़े हुए हैं करेक्ट इट वॉज इट्स ऑल बकवास यू नो हाँ उधर तो क्या होता था सबसे कि, ज्यादा किस लीडिंग लेडी को आपने मोलेस्ट किया था आई नो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही कर देंगे कि आपने मज़ाकिया तौर पे मोलेस्टेशन की uh, you know, तो पिक्चरें जो बनती थी उन दिनों में हुँ. एक फार्मूला होता था विलन होता था वैम्प होती थी साथ में पुरानी पिक्चर भी एक कमेडियन yeah, होता था, थे, एक होता था होते थे hmm. होते थे एक उनकी गर्लफ्रेंड होती थी hmm. जैसे जैसे अरुणा रानी हो गई hmm. शोभा खोटे हो गई नो ऐसे लाइक टीम एक ग्रुप होता था फिर कोई नौकर होते थे लालू और राबू और ऐसा कुछ होते थे तो फॉर्मूला हंगल साहब होते थे बट इट यूज टू बी फैमिली like घरों you know. hmm. से खाने आते थे यू नो नॉट दैट की बैठे हुए वो अपने कमरे में बैठे हुए थे तो गप्पे दस पैसे रमी. चारन रमी खेल रहे हैं रमी वाले नहीं ताश खेल रहे हैं hmm. और सॉरी वो चेस खेल रहे हैं शॉर्ट रेडी रेडी और जैसे मैंने बोला था रोल में डूब जाते हैं तो सारा दिन चाकू लगे हुए थे तो रोल में डूबे रह तो घर में भी रोल वही चलता रहेगा यू नो तो दिया शॉर्ट दिया खत्म एंड बिलीव मी इन माई लाइफ

तो फिर अभी ले लो 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 एक और टेक ले लो, हाँ. ले लो। पर अगर रंजीत आए तो उसने भी बोला तो फिर खत्म कब होगी पिक्चर टू द डायरेक्टर डायरेक्टर बोला ओके कट इट वट तो मुझे बोलते कई बार देखो कितना अच्छा लग रहा है मैं नहीं तुमने बोल दिया ओके okay, तो ठीक है एंड इन दिस कोविड डेज विल यू बिलीव मी मैंने सिर्फ दो तीन वो देखे वेब सीरीज उसमें दो तो इंग्लिश थे हिस्टोरिकल थे हुँ. और इंडियन तो एक ही देखा था उसके बाद नहीं देखा तो गालियां हाँ। गालिया भी गंदी गालियां हाँ। आपने देखी होगी तो गालियां नहीं थी आप... थी, थी बताइए ना कौन सी पिक्चर में गालियाँ हाँ। मैक्सिमम उल्लू का पट्टा आराम ज्यादा है ना अच्छा होता था नहीं हाँ। नहीं ये आजकल तो वलगर गालियां होती है ना यू फील एम इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ इन फ्रंट ऑफ तो बिल्कुल ही गड़बड़ना एंड फॉर नथिंग इफ यू टेक आउट सीन टू इतने फिल्म मेकर हैं ये यार ये निकाल दो इधर एक आइटम नंबर डाल दो ये निकाल दो इधर ये तो उन दिनों भी तो होता था बिंदु जी की होती तो ले ले ले। ले। जी और बिंदु जी उन दिनों में देखो क्या ग्रेस होती थी hmm. और वाइजा जी hmm. सब गाइड में देखो क्या डांसेस थे hmm. आजकल तो अभी हेलन जी ये ड्रेसेस भी रिवीलिंग नहीं होती थी और वो अपना ही बनाती थी कहते हैं हाँ नहीं होता है मैं बोला ना सब के आपने खुद आप थोड़ी बनाएंगे इंस्ट्रक्शन ही देगी ना वो हाँ वो अरुणा इरानी जी का इंटरव्यू किया था उन्होंने कहा था हेलन जी टू तो ट्रेवल अब्रॉड

i told you girls i got fed up of doing this pulling sarees and rapes <laughs> and all the eight eight films every day in bangalore every night in mumbai i don't believe you know, i'm talk, doing this interview yeah yeah <laughs> same thing na monotonous <laughs> monotonous all a, pakda saadi pakdi saadi khichrane wala da rog ho gayi and all that aaj kal ki ladkiyan saadiyan nahi pehenti main kya khichu kya phadu <laughs> मैं तो फैशन मैं बदाख में बोल दिया था <laughs> आ, फैशन ने मरवा दिया मुझे <laughs> तो माय डॉटर स्टार्टेड दिस शी वाज फैशन डिजाइनिंग दिस <laughs> तो शी वाज रनर इन अशोका होटल में थी ये फंक्शन एंड पार्टी तो देख लिया मेरे को कोई सेठी सेठी है उनका चेयरमैन है पता नहीं कौन है तो गोली साहब ऊपर आइए ना तो स्टेज पर बुला लिया तो मैं बोला देखिए साहब बेटी कपड़े बनाती है मैं फाड़ता रहता हूँ और मैं उसकी एक पेंटिंग बना रहा हूँ आजकल आई एम फ्रांड ऑफ पेंटिंग आई एम नॉट आई नॉट लर्न फ्रॉम एनी तो आई लाइक वन फोटोग्राफ शी इज एडवेंचरस थोड़ा माउंटेन रॉक क्लाइंबिंग एंड ऑल दैट तो उसकी एक कोलाई ग्लेशियर पेंट हो तो, बट फोर्टीन थी अब वो बाल उड़ रहे हैं mm. और वो शी इज बोल्डर के साथ ऐसे खड़ी तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा मैं इसके वाइल्ड फोटो है इसके मैं पेंट करता हूँ अब mm. विंटर है स्नो में ओ कलरफुल स्कार्फ वगैरह तो होते ही है जब जाते हैं ये लोग mm. माउंटेन ताकि दूर से भी नजर आ जाए कुछ दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द इफ यू गेट लॉस्ट एंड ऑल दैट तो मुझे लगा ऐसे साउथ इंडियन कैलेंडर लग रही है ना मेरे को mm. <laughs> तो मैंने उसको हटा दिया बाल बाल से हो तो उसको मैंने कुछ और बना दिया mm. फिर मेरे को यार बनाने के बाद पता लगा यार ये गड़बड़ा है इफ़ आई हैपन टू मीट यू बाई चांस विद दैट पेंटिंग को मैंने इतनी रिपेयर की है वो क्यों वो उसकी आंख जो है ना सैंड पेपर से पेंट निकालता था हुँ? ताकि दूसरा वो नहीं चढ़ती थी ना ऑयली पेंट तो इसको रफ कैसे करूं तभी पेंट पकड़ेगा उस क्रैक पेंट कर रहा हूँ तो उधर से लाइट आ रही पीछे से पीछे मुड़ के देखा तो कट गया पर उसके ऊपर बैंडेड लगाया हुआ है <laughs> पीछे एनी anyway, वे तो इस तरह मैं आपसे पूछ रही थी अबाउट योर वाइफ मैं बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ कि ये अभी क्या यार दो तो hmm. रोटियाँ और खानी है माँ बाप आते हैं उनको मिलने का टाइम नहीं है आई शॉट आई माई लॉस माई फादर फर्स्ट डेथ इज द फैमिली आई वेंट टू शूट आई यूज टू हाउल द मेकअप रूम इन हैदराबाद आई हैड अबाउट सेवेंटी फाइव रिलेटिव इन माई हाउस और चार भैया लगी हुई हैं और शामियाना लगा हुआ और हलवाई बैठे हुए हैं आई टोल्ड माई वाइफ मैरिड हो गया था माई डॉटर वॉज सिक्स मंथ आई सेट नाजी माई फादर हैज़ नेवर बीन एक्यूज ऑफ एनी थिंग एवर इन लाइफ आई डोंट वॉन्ट पीपल्स है यार रंजीत का बाप मर गया यार हम भी मर गया मोस्ट वांटेड तो आई सर आई डोंट वॉन्ट टू कैंसल एंड ही टू बी एक्स फॉर दैट परपज तो मैं गया मेकअप रूम में आई यूज टू हॉल एंड देन चिल्ड सोडा होता था आइस बॉक्स में आई यूश टू स्प्लैश माई आइज एंड मेकअप जाके वो सारा एंटर पकड़ गए और डांस था श्रीदेवी का दत्त सा भी थे सुनील दत्त भी उस पिक्चर में थे वो देखे शाम की फ्लैट से वापस My कि शायद कोई वकील के पास गया विल हो विल होगी yeah. so का नुकसान हुआ हो mm -hmm. इधर मैं डाकू बना हुआ हूँ ये बाजू वाले कमरे में मैं वो बना हुआ हूँ इंस्पेक्टर mm. अब जो छोटा प्रोड्यूसर है मैंने कभी किसी की शूटिंग कैंसिल नहीं किया हाँ जो उसको डेट दे दो यार बड़ी पिक्चर है तो शमी कपूर वॉज डायरेक्टर राजेश खन्ना हीरो तो अभी नहीं अभी मेरा कसूर थोड़ी है तो मैं कह रहा हूँ बोला बोलिए कैसे एडजस्ट होगा गाना ख़त्म नहीं होगा मैं कह मैं एक काम कर सकता हूँ आई वेल कम ड्यूरिंग लंच टाइम आई वोंट हैव लंच आई वोंट स्लीप वॉट एवर इट इज़ तो आप इधर शॉट लगा लो इतने में शॉट लगाने में टाइम लगता है क्यों जी लाइटिंग करने में टाइम लगता है ना थोड़ा मैं बोला उधर शॉट दूंगा फिर इधर आगे पर इतना दोगा क्योंकि पूरी ड्रेस चेंज नहीं कर सकता टाइम नहीं है आई डोंट वॉन्ट हिम टू सफर आई यूज टू टेक आउट माई डाकू की पगड़ी टेकआउट माई बुस्टैच पुलिस की और ओ, ओ, पुलिस का जो कैप होती है आई फिनिश दो सीन्स लाइक दैट सिल्वर जुबली फिल्म डो बड़ी बॉड डाकू की पिक्चर में शॉर्ट दे दिया बाई चांस इट वॉज नॉट दैट डाकू डो बडी नोटिस ऐसे काम किया मैंने गाड़ी भी सो रहेगा स्टूडियो में जाकर सो जाएगा यू नो लाइक दैट आई इन्जॉय इट वॉज नो मनी आई हैड गिवन माई पावर ऑफ टर्न ऑन द स्टेम्प पेपर टू माई सेक्रेटरी टू डील विद ऑल द मनी टू बाई सेल एनीथिंग अ वेरी गुड फ्रेंड मनमोहन देसाई वॉज अ बिग प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही फायर्ड मी वंस कि सला तेरे को चेक साइन करने का टाइम नहीं है तेरे को बेट डालेगा तेरे को पता भी नहीं लगेगा मैं वन जी क्या बेचेगा अपने पास हम क्या लेके आए क्या नहीं पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं ऑफ फिल्म एक्टर्स जिन्होंने ऐसे ही किया और वो लुट गए उनके पास कुछ नहीं रहता आई डोंट थिंक सो डन बिकॉज द सेम मैन डों से उसने उससे भी पावर हटो नहीं ली थी अदरवाइज यू नेम वन एक्टर कि जो लुट गए वो लुटे और वजह से लुटे मे बी इन फिल्म मेकिंग नॉट गिविंग अथॉरिटी ऑफ मनी टू समबडी यू नो

अभी अकेली थी शी वज टू शी दिस ट्रावल शी एज अ ब्यूटिफुल लेडी नो एयर्स एंड ऑलवेज स्माइलिंग टाइप हम तो ऐसे प्यार से फावड़ा बुलाते उसके दांत ऐसे दाते बगटी इतना तो फावड़ा बुलाते थे इतना बुरा मान के बैठ जाती थी एंड नो नो बिचिंग फ्रेंकली स्पीकिंग नो उसकी शिकायत उस पर वंस शी वॉज वेरी अपसेड एंड शी वॉज क्राइंग एंड आई आस्ट वी वर इन कश्मीर अभी आई डोंट माइंड कोटिंग इट्स अ फैक्ट क्या हुआ परवीन उसको एक पिक्चर बड़ी थी सिलसिला परवीन बाबी वॉज द ओरिजिनल हीरोइन उसको निकाल दिया और एक एक जो उन्होंने अपने गेमिक के लिए कंट्रोवर्सी फेमस रेखा को और जया बहादरी को उसमें कास्ट किया अदरवाइज इट वाज़ परवीन बाबी एंड रेखा एंड देन परवीन बाबी वाज थ्रोन आउट देन रेखा केम साइड एंड जया बहादरी को दिया सिलसिला पीछे चली नहीं Hmm. बदुआ लगती ना किसी की hmm. इतना बड़ा यू नो इतना बड़ा उसकी कोई भी जाएगा यू नो रिमोर वगैरह भी सर लॉट्स ऑफ पीपल वुड कम एंड टेल यू देयर पर्सनल नॉट लॉट्स ऑफ पीपल जैसे कोई अपना होता है बात होती है ना दिल खोलना होता ना तो अभी शिवा बोलो नो हां संजीव, कुमार, तो, हा, संजीव कुमार थे ये बाजू वाला बंगला उसको तो ले लो भाई ले लो भाई नहीं तो शाम को तो हर रोज़ मिलना ही होता था ना कि वो भी तो ऐसे ही हुआ ना उनके साथ भी तो ऐसे हुआ इट वाज क्वाइट ट्रेजिक जो नहीं उसकी तो, तो पूरी फैमिली देखो ही यूज टू लिव इन पाली हिल उसको कई बार था अभी अपने अपना देखो हर आदमी को स्पेंट ट्रिफ हो, होता है मेरे को ये चीज़ आई कॉन्ट अफोर्ड बट आई वुड लव टू हैव इट तो कैसे भी मैं चलो अभी ले ले लेंगे कर्जा लेके ले लो वो वॉज नॉट दैट ही डेंट वॉन्ट टू बट इज फादर डाइड 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 ब्रदर एंड पीपल नो वो तो डेस्टिनी होती है भी अमजद खान चला गया यू नो hmm. और भी कभी कि देखो ना कितने एक्टर चले गए यू नो सो दैट काइंड ऑफ स्टफ एनीबॉडी कैन गो शशि कपूर आई यूज्ड टू वर्क विद ऑल दिस गाइस हम दैट्स राजकुमार राजेश खन्ना पता एवरीडे वी आर टुगेदर चार पांच हीरो होते थे चार पांच विलेन होते थे तो अब लकीली वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ विद ऑल दिस टॉप एक्टर्स एंड ऑल दैट Okay. चलता था आई so, लेफ्ट शोले द केम टू बी इन बेंगलोर हाँ I वो किस्सा सुनाइए क्योंकि uh, गब्बर सिंह का रोल आपको पहले ऑफर किया नो 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 नॉट पहले मुझे नहीं ऑफर किया है द ट्रूथ इज डैनी को डैनी को दिया डैनी को किया था और एक पेपर आता था, था, था स्क्रीन उसे तो फुल पेज पे उसकी फोटो डैनी की आई थी और साथ में धर्म जी एंड संजीव कुमार की। हाँ वही हाँ, शोले जो शोले तो ही गॉट स्टक इन धर्मात्मा

एवरी इवनिंग वी यूज बी टुगेदर एंड वी आर डूइंग सम पिक्चर्स टुगेदर डैनी तो टिल टूडेज मी अ फ्यू फ्रेंड्स काउंट डैनी यू नो इन द टॉप लिस्ट ओके तो साहब वो क्या नाम लेते हैं मैंने बोला आई विल नाट डू इट तो इधर यू गेट मी नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम हिम और लेट हिम टॉक टू मी इफ ही सेज की गोली तुम कर लो आई कॉन्ट कम

Correct. अभी राजपूत में बड़ी स्टार स्टारकास्ट धर्मेंद्र राजेश खन्ना विनोद खन्ना हेमा मालिनी आई वॉज द मेन विलन तो वो जितनी वो कब चली फिलहाल चली फिर क्या होता फर्स्ट टू वीक्स शोले यू नो डिक्लेर्ड फ्लॉफिक और सब यही बोलते थे यार स्टूडियो में खबर मिलती हो और तीन यार इतने बड़े बड़े हीरो हैं यार विलन बड़ी पतली सी आवाज में बोलता है कुछ महंगा है मैंगेट कैंड ऑफ अब अभी तक उसके अमजद के प्लेबैक में आते हैं गब्बर काली ये कितने थे उसके डायलॉग अभी तक चलते हैं यू नो सो इट इज़ द सक्सेस ऑफ द फिल्म एंड डेस्टिनी लीड्स यू नो एंड आई नेवर मैं तो कितनी जब पिक्चरें छोड़ी आई हैड एटी पिक्चर ऑफ द फ्लो आई आई वॉन्टेड टू मेक माई ओन फिल्म सो आई डोंट वॉन्ट कि माई सिस्टर शूट गो एंड डायरेक्ट माई फिल्म एक शॉर्ट ले लें यार मैं दूसरी शूटिंग करके आता हूँ आई वॉन्ट टूट इंजॉय एट दैट हाइट यू डिसाइड दैट आई डोंट टू वर्क एनी मोर एट आई स्टॉपिंग पिक्चर्स टू समर्स यार मैं नहीं कर रहा हूँ तुम कर लो अब क्या हुआ उनको टाइम लगा मुझे दैट इज सफिशली आई वॉन्टेड टू न्यू गर्ल्स एट वन न्यू बॉय आई आई यूज टू क्रेब ऑलवेज प्रकाश वरा राज मनमोहन देसाई मैं ये इतने बड़े बड़े स्टार को लेकर क्यों पिक्चर में आते हैं हर पिक्चर में अमिताभ बच्चन हर पिक्चर में वो हर पिक्चर में वो बड़े बड़े एक्टर नया लड़के इंट्रोड्यूस करे नई लड़की इंट्रोड्यूस करें तो रौनक होती है आई रियलाइज लेटर आई वज यू हैव ए स्टार यू पेंग वन एक्टर एक्स अमाउंट बट वी गेट सिक्स टेरिटरी इज़ एनहड हमारा बजट इतना हो जाता है अच्छा हमको इतना सा जो न्यू पिक्चर में खर्चा बजट पिक्चर तो उतने में बिकेगी ना जो उसका वैल्यू है तो उसमें हम मान लो दस डालसर चाहिए या पचास घोड़े चाहिए तो बोले यार पाँच घोड़ों से कर लो बजट अलाउ नहीं करता तो, तो देट इज़ वाई दे यूज़ टू टेक द स्टार जब मेरी पहली पिक्चर के उसने बोला ना कि नया पिक्चर नया हीरो नई लड़की लेके मत बनाओ पर मेरा बूढ़ और था I so was looking for two new girls and leaving the films. Can you imagine? Mm -hmm. And I finished all my films. Yeah. All films. Then I started my film. Mm -hmm. And I felt very proud. They, they, like, creepy, creepy, the day, like, I followed a creepy, all censor board. Mm -hmm. They, when my application went for the censorship, Vinod Khanda, my hero, mm -hmm. he was known as a sexy swami, mm -hmm. Rajnish. Wala, Correct, से. Huh? से थे ना कहीं वो? से भी हो तो गुड लुकी तो कहीं से भी हो सकता है ना हुँ. तो मैं तो <laughs> उसको नहीं तो मत मत होल बंच ना, आप अमृतसर से वो गुरदासपुर से धर्मेंद्र जी जितेंद्र जी सब पंजाब एक रेस थी तभी Hmm. अभी आजकल सब आसे आते हैं बिहार से, आते से. <laughs> उस वक्त ऑल ऑल ऑफ ऑफ पंजाब yeah, yeah, पेशावर yeah, yeah. देव साहब भी देव सुनील दत्त भी लहोर लहोर, सारे। भी लाहौर से राजकुमार ऑल चले ट्रेड ट्रेंडी थी साउथ इंडियन खन्ना थे और विनोद खन्ना किमी काटकर सो व्हाट ओ शादी का पूछा था आपने हाँ। तो मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा hmm. लड़कियां नहीं मिल रही अब फ्रस्ट्रेटेड तो मुझे कोई भी स्पॉट बाय चाय वाला यार था उसको भी कहानी सुनाने शुरू कर देता hmm. था आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद दैट तो मैंने एक दिन ने चंकी पांडे हिज मदर वॉज दे शी इज टू रन क्लिनिक से, था, से, से, था, से, था क्लिनिक जिसको hmm. बोलेंगे टू ब्यूटीफाई दिन डॉक्टर पांडे स्नेह पांडे मैं उसको एक दिन ऐसे कहीं मिला मैं बोला मैं स्नेह जी वो आपके पास तो कितनी लड़कियां आती होंगी यार को कम से कम एक तो मुझे तो ये ना मैं आई वॉन्ट डेस्परेट टू स्टार्ट माई फिल्म तो उन्होंने इसको भेजा मेरी जो वाइफ है अभी uh, नाज उसका नाम uh, नाजनीन कोई है सहाय सरदार नहीं है नो हुँ. तो नाजी को भेजा तो मैं उसको मिलता देखते ही आई जैट शी इज फिट फॉर दैट मॉडर्न भी लग रही थी थोड़ा hmm. पढ़ी लिखी भी लग रही थी इन ऑल दैट काइंड ऑफ स्टाफ फाइनल हो गया अब मुझे दूसरी लड़की चाहिए hmm. तो माधुरी नहीं नहीं आई थी माधुरी को सुनाया तो ओ, दूसरा रोल तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंडी वॉज टेकन एज अ गर्लफ्रेंड ऑल्सो इन द प्रेस एंड उसी गर्लफ्रेंड है पार्टी वार्टी में जाना तो इकट्ठे चले जाते थे बट नॉट दैट लव वगैरह था ऐसा नहीं था कुछ देन और भी कुछ लड़कियाँ जिसको श्रीदेवी वो बोली मैं तो क्या नाम लेते हैं कैसे फलाना फलाना भाने कोई ना कोई बनते थे हालांकि मैं इनके सबके साथ काम कर रहा था एंड आई वाज नॉट आस्किंग एनी फेवर फर्स्ट एड साइड धर्म जी रेखा एंड जयप्रदा फॉर दीज टू थ्री रोल्स और रेखा लास्ट मोमेंट शी 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 हैड समिफ्रेंसेज विद अमित फरदन शी फैदन अगेन उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया कुछ भी हो गया था शी आस्ट भी कि यार uh, गोली गोपी बुलाती है मेरे को गोपी मैं तेरी शूटिंग रात की डे फॉर नाइट कर लिया करूंगी तो मैं बोला तो मैं दो डोरमेट बन जाऊँगा इसको देन हाउ आई चेंज देन विनोद खन्ना केम बैक फ्रॉम अमेरिका तो देन बिकॉज इकट्ठे अब लोग बीच पे you know, रात को दो बजे तीन बजे जाते थे तो ही वॉज फिट ऑल्सो फॉर दैट रोल अभी उसको ले लिया तो इस लड़की के फादर को हमने बोला कि देखो जी ऐसे ऐसे कास्टिंग जो प्रॉब्लम है एंड डोंट फील दैट आई एम वन ऑफ दैट एक्सप्लाटिंग टाइप ऑफ दिस थिंग एंड आई एम चेंजिंग माय होल स्टार कास्ट तो नहीं जी पापा जीदार थे वो नहीं जो थोड़ा अच्छा लगता जी एंड दिस गर्ल ऑल्सो माई वाइफ शी ऑल्सो फेल्ट शी वज़ मोर ऑफ वर्किंग इज बिहाइंड द कैमरा एंड ऑल दैट बट शी वज़ फिट फॉर द रोल ऑल्सो तो उसको भी कोई अधर्श तो था ना इतना बढ़िया रोल ऑल दैट यू नो तो एंड द फिल्म ऑल्सो बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ हॉर्स हॉर्सिंग रिलेशनशिप विद द हॉर्स एंड द मैन आई हैड प्लेड ऑन दैट एंड ऑल दिस मल्टी कौन सी फिल्म थी है नाम क्या था इट्स आई कॉल्ड इट किस लिए बिकॉज आई आज माई सेल्फ मैं किसके लिए काम करता हूँ मैं यार दोस्तों तो यार मेरे माँ बाप आते हैं टाइम नहीं है और मेरे ड्राइवर ने एयरपोर्ट पे छोड़ना था और उस ताजब खेलने में बैठ गया ये सब एक्टर तो इधर ही रहते हैं ना और मैं छुट्टी में दूसरा ड्राइवर लेके चला गया था मम्मी गई टैक्सी में तो फादर ने डाटा आपको फ़ोन पे इसी तो हम बम्बे आते नहीं हैं आई वॉन्टेड टू तो शिफ्ट बॉम्बे तो आई गॉट वेरी डिप्रेस मैं वेजिटेरियन हूँ एक कहा रोटी खानी होती है नहीं खाते काय को काम करें अभी आज पाँच सौ पिक्चर छः सौ हो जाएंगी

नो you know, के 12 years के बाद बाद तो लोग डिवोर्स ले लेते हैं 12 years के साथ बाद भी अपने उसको पका किया, crudely, uh, गया रिलेशनशिप को कटिंग क्रूडली एक का हो फिर काट कर किया और फारा जो एक लड़की आई थी उसको इंडियन के लिए साइन किया हमने हुँ. फिर आई की बहन है तबू की बहन बड़ी थी हाँ. पहले वो आई थी देन सेट एट माई फार्म आई हैड अ फार्म मुझे रहने का शौक था यू नो तो हार्डली एनी यू नो एटी किलोमीटर्स फ्राम हेयर गुड रोड तो आई वॉन्ट टू मेक माई फैमिली हाउस लिव विद माई पेरेंट्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टाफ वहाँ से एक घंटा लगता था मैं सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ आजकल भी मैं आठ बजे भी गाड़ी में बैठूंगा टेन ओ क्लाक ईजिली विद मेकअप अल बी ऑफ द सेट इन बॉम्बे इट वॉज ऑन पेन कपोली रोड यू नो और करनाला बर्ड सेंचुरी ये किसके मेरी पिक्चर कारनामा जो है इसका नाम रखा था किसके लिए मैंने अपने आप से ये जो बीच पे स्विंग ट्रांसपैय के भागा करते थे राइडिंग किया करते थे दट साफ मेड बी लर्न राइडिंग यू नो ही यूज टू कॉल हिज हॉर्स एंड माय हॉर्स फ्रॉम द स्टेबल तो आ, क्या बोल रहा था आपको किसके लिए? किस लिए मैं किसके लिए काम कर रहा हूं आई है डोंट हैव टाइपेंट आई डोंट कॉन्फ तो मैंने साइन करनी बंद कर दी बंगला बंगला सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जो भी शौक थे पूरे हो गए पिक्चरें भी कर ली इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एटी नाव